मछली वाली चुड़ैल। रामपुर नाम के एक गांव में सुनसान रास्ते पर एक औरत जिसके खुले लंबे बाल होते हैं, वो अपनी टोकरी में कुछ मछलियां भरकर अपने सर पर रखकर गांव के अंदर जाती है। परंतु गांव के सभी लोग उस मछुआरन को देखकर तुरंत अपने अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसे ही एक घर में रघु नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है। जब वो मछली वाली को देखता है तो अपनी माँ से जिद करता है, माँ मछली ले लो ना, कितना टाइम हो गया मछली खाए। नहीं बेटा, हम इस औरत की मछली नहीं ले सकते। पर क्यों माँ? क्योंकि बेटा ये मछली वाली चुड़ैल है। रघु की माँ रघु को समझा ही रही होती है कि तभी सभी गांव वालों को उस चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो डरावनी हंसी सुनकर रघु बहुत डर जाता है और बिस्तर के अंदर जाकर सो जाता है। तो वहीं चुड़ैल के पैरों में बज रहे घुंघरू की आवाज तेज होती है और चुड़ैल, मैं मछली वाले आज फिर तुम सभी गांव वालों के लिए मछली लेकर आई हूँ। चलो अब जल्दी से कोई आकर मुझसे मेरी मछलियाँ ले लो। इस तरह से बार बार चुड़ैल लोगों को मछली लेने के लिए बोल रही होती है, परंतु कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। जिसके बाद चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो आज कोई मुझसे मछलियाँ नहीं लेगा, पर मैं तो ये मछलियाँ तुम गांव वालों को देकर ही जाऊंगी। देखती हूँ मैं भी आखिर कौन मुझसे ये मछलियाँ नहीं लेता। इतना बोलकर चुड़ैल रघु के घर का दरवाजा पीटती है। ये देखकर रघु की माँ बहुत डर जाती है पर दरवाजा नहीं खोलती। जिसके बाद जोर से हवा चलती है और रघु के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब ना चाहते हुए भी रघु की माँ रघु को बचाने के लिए दरवाजे पर उसे आना पड़ता है और वो चुड़ैल से बोलती है, मुझे तुम्हारी मछलियाँ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, अब तो मैं तुम गांव वालों के लिए इतनी सारी ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आई हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें मछलियाँ नहीं चाहिए। आखिर मेरी मछलियों को खाओगी नहीं तो भला जिंदगी भर के लिए कैसे पछताओगी। पर मेरे घर में कोई मछलियाँ नहीं खाता, हम सब शाकाहारी हैं। पर मैं जिस घर के दरवाजे पर खड़ी होती हूँ उसको मुझसे मछलियाँ लेनी ही होती है। अगर वो मेरी मछलियाँ नहीं लेता तो मैं उसकी जान ले लेती हूँ। नहीं मैं ले लेती हूँ तुमसे तुम्हारी मछलियाँ, तुम बस हमें बख्श दो। ठीक है तो बताओ कौन सी वाली मछली दूँ मैं तुम्हें। कोई सी भी दे दो। जिसके बाद चुड़ैल अपनी टोकरी में से एक मछली निकाल कर रघु की माँ को पकड़ा देती है। रघु की माँ जैसे ही मछली लेने के लिए अपने हाथ आगे करती है, चुड़ैल उसके दोनों हाथ काट कर अपनी टोकरी में रख लेती है और हंसते हुए टोकरी लेकर हवा में उड़ जाती है। तो वही रघु अपनी दोनों माँ के हाथ कटे देखकर बहुत रोता है और सभी गांव वालों को बुलाता है, परंतु कोई भी चुड़ैल के डर से बाहर नहीं आता। जब चुड़ैल वहाँ से चली जाती है तब सभी गांव वाले रघु की माँ को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और अगली सुबह मंदिर के पुजारी से बोलते हैं, पुजारी जी अब आप ही को कुछ करना होगा, इस चुड़ैल का आतंक तो हमारे गांव पर बढ़ता जा रहा है। अब हम इससे मछली ले तो भी ये हमारी जान ले लेगी और हम अगर इससे मछलियाँ ना भी ले तो भी ये हमारी जान ले लेगी। मैंने तुम गांव वालों को पहले भी कहा था, कोई भी बुरी शक्ति माता रानी के दर पर नहीं आ सकती। यदि वो चुड़ैल किसी भी तरह से माता रानी के पवित्र द्वार पर आ जाए तो उसका अंत होना निश्चित है। बस तुम गांव वाले किसी भी तरह से उस चुड़ैल को माता रानी के दर पर ले आओ।
जिसके बाद सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही रात होती है, गांव की महिला पुष्पा गांव के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। अब हमेशा की तरह चुड़ैल मछली लेकर गांव में आती है और पुष्पा को देखकर बड़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद पुष्पा चुड़ैल को देखकर बोलती है, आज मैं तुम्हारी सारी मछलियाँ ले लूंगी, अपनी मछलियाँ लेकर मेरे पीछे आ जाओ। अभी आती हूँ। चुड़ैल पुष्पा के पास जाने लगती है। ये सब देखकर पुष्पा वहाँ से भागने लगती है। पुष्पा को भागता देख चुड़ैल अपनी मछलियाँ लेकर पुष्पा के पीछे जाती है और इसी तरह से पुष्पा हिम्मत करके भागते भागते चुड़ैल को मंदिर के दरवाजे पर ले आती है, जिसके बाद चुड़ैल पुष्पा से बोलती है, खुद बुलाकर खुद ही भाग रही थी, तो खुद को बहुत ज्यादा तेज समझती है। अब तो मैं तेरी जान ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि तूने मुझे बहुत भगाया। इतना बोलकर चुड़ैल अपने हाथों को लंबा कर लेती है और पुष्पा की गर्दन पकड़ने लगती है, पर उससे पहले ही पुष्पा मंदिर के अंदर भाग जाती है और चुड़ैल भी मंदिर के अंदर कदम रख लेती है। जैसे ही चुड़ैल मंदिर के अंदर कदम रखती है, उसके शरीर में आग लग जाती है। ये देखकर सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वो चिल्लाते हुए सबसे बोलती है, ये तुम गांव वालों ने अच्छा नहीं किया, मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम सभी गांव वालों को एक साथ खत्म करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गायब हो जाती है। इसके बाद सभी गांव वालों को मछली वाली चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और सब एक बार फिर से अपने गांव में खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं।